Hello students, today I am going to discuss about soil, that is chapter 6 of class 4th. So let's start. Soil is very important and valuable natural resource. क्या होता है soil? क्या है? बहुत ही ज़्यादा important और natural वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. ऐसे नेचुरल रिसोर्स मीन्स ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है, वो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. सम एनिमल्स लाइक रैबिट, अर्थवर्म्स एंड आंट लिव इन द सॉइल. और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इतने वैल्यूएबल क्यों हैं? क्योंकि ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में हेल्प करते हैं. जैसे कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं. जो प्लांट की रूट होती है वो सॉइल के अंदर ही होती है, वहीं से उसे मिनरल्स और वाटर सब कुछ मिलता है. और जो कुछ एनिमल्स होते हैं, रैबिट, अर्थवर्म हुआ, आंट हुई, स्नेक हुआ, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में ही रहते हैं. मिट्टी के अंदर कोई बिल बना के रहता है तो कोई सरफेस पे रहता है, तो सब सॉइल में रहते हैं, जो कि उसके लिए उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है. बिग पीसेज ऑफ रॉक्स ब्रेक डाउन इंटू टाइनी पीसेज बाई द हीट ऑफ सन, मूविंग एयर एंड रनिंग वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. क्या होता है, ये जो रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस होते हैं वो कैसे सॉइल में कैसे चेंज होते हैं? जब बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत सारे ईयर्स तक क्या होता है, कंटिन्यूस कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, या पानी भी होता है. जब बारिश होती है तो जब पानी फ्लो करता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो इन सब फेनोमेनन से, नेचुरल फेनोमेनन से क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो थोड़ी सी वीक होने लगती है, जिसकी वजह से वो बिग पीसेस छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है. इसी प्रोसेस से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं. व्हेन दीज टाइनी पीसेस मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको क्या ह्यूमस कहा जाता है. क्या होता है, व्हेन दीज टाइनी पीसेस मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स सॉइल इज फॉर्म. अब यहाँ से क्या होता है, अभी जो रॉक्स के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं, और वो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनको हम ह्यूमस भी कहते हैं, वो और मिनरल जब इन टाइनी पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनती है, सॉइल बनती है. अब ह्यूमस के बारे में यहाँ भी बताया गया है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म अ डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ह्यूमस किसे कहते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स, जो थोड़े बहुत पार्ट बच जाते हैं, वो क्या होता है, डार्क कलर का सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. नेक्स्ट, हेंस द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ दैट कंटेन्स मिनरल्स, सम अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सॉइल. अब सॉइल किसे कहते हैं, जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं, उस अपर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स. सॉइल में कौन क्या क्या होता है, ग्रेवल, सैंड और क्ले पार्टिकल्स. टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ये पता भी होगा कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है. द सॉइल दैट यू सी ऑन द रोड इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल यू सी इन अ गार्डन और इन अ फील्ड.
क्या होता है जब हम रोड पे जो मिट्टी देखते हैं, रोड के साइड में जो मिट्टी हमें दिखाई देती है, वो जो गार्डन में जो मिट्टी होती है उससे, या फील्ड में जो मिट्टी होती है उससे बहुत ही डिफरेंट होती है। अगर हम उसे उसका कुछ केमिकल यूज़ ना जाने, उसका फॉर्मेशन ना जाने, तब भी हम देख के भी बता सकते हैं कि दोनों में जो रोड पे जो सॉइल होती है और जो गार्डन में सॉइल होती है वो दोनों अलग-अलग है, उनमें डिफरेंस है। द सॉइल ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इज फॉर्म्ड। अब ये अलग अलग तरीके से होती है, ये बेसिक होता है कि वो अलग अलग तरीके की रॉक से बनती है, इसलिए वो अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन हम उसे देख के भी पहचान सकते हैं। अगर हम नॉर्मली सिर्फ देखें, कोई उसके साथ कोई प्रोसेस ना करें, तब भी पता चल जाता है। सॉइल्स डिफर इन साइज कलर एंड टेक्सचर ऑफ पार्टिकल। जो सॉइल होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, और उनके पार्टिकल्स का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। इन्हीं सब तरीकों से, इन्हीं सब मेजरमेंट से हम कह सकते हैं कि कोई सॉइल दूसरी सॉइल से किस टाइप से, किस तरीके से अलग है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्लेई एंड लूमी। मेनली तीन टाइप की सॉइल होती हैं, जिनको क्या 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 कहते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल। लेट अस डिस्कस अबाउट सैंडी सॉइल। इट मेनली कंटेन्स सैंड, बिग लाइट एंड लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। क्या होता है सैंडी सॉइल, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, जो मोस्टली पार्टिकल्स किसके होते हैं, सैंड के होते हैं। ये फिगर भी दिखाया गया है, ये जो है ये हमारी क्या है, सैंडी सॉइल है, जिसमें मोस्टली पार्टिकल किसके होते हैं, सैंड मतलब रेत के होते हैं। इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सी शोर। क्या होता है जब डेजर्ट में अगर कोई गया है, या वहाँ राजस्थान के साइड पे जाएंगे तो डेजर्ट मिलता है, वहाँ पे गया हो या समुद्र के किनारे पे गया हो, वहाँ पे क्या होती है, ये जो हमारी रेतीली मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है, वो वहाँ पे मिलती है। इट इज़ येल्लो और लाइट ब्राउन इन कलर। इनका कलर कैसा होता है, या तो ये येल्लो कलर की होती है या लाइट ब्राउन कलर की होती है, जैसा कि इस फिगर में भी है कि ये लाइट ब्राउन कलर की है। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर पासिस थ्रू इट्स पार्टिकल ईजली। क्या होता है ये रेत होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा लूजली बाउंडेड नहीं होती हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास नहीं होते हैं, इस वजह से इसमें क्या होता है, ये मिट्टी को, अरे पानी को ये बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती हैं, पानी इसमें से क्या होता है आसानी से निकल जाता है। इट मिक्सिस विदाउट विथ सीमेंट एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग। इसको क्या कहते हैं, सीमेंट में मिक्स करते हैं, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बिल्डिंग को बनाने में, अलग अलग बिल्डिंग के फॉर्मेशन में जब सीमेंट में इस सैंडी सॉइल को मिलाया जाता है तो उससे भी उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, क्ले सॉइल। इट मेनली कंटेन्स क्ले, वेरी फाइन एंड क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। क्ले सॉइल में क्या होता है, ज़्यादातर क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले होते हैं जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इसके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं, जैसे ये है पार्टिकल्स एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट हैं, बगल बगल में होते हैं, तो इसके क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड्स। ये कहाँ मिलती हैं, जो हमारे जो नदियों के नीचे, नदियों का पानी जब देखते हैं, पानी के नीचे जो सेटल डाउन होती जाती है सॉइल, उसको क्या कहते हैं, क्ले सॉइल कहते हैं। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एज वाटर डज नॉट पास थ्रू इट्स पार्टिकल ईजली। जैसे कि यहाँ पे है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से वाटर जो होता है वो इसमें से पास नहीं हो पाता है, और ये क्ले सॉइल बहुत ही आसानी से वाटर को होल्ड कर सकती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड कच्चा हाउसेस। इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पॉट्स बनाने में, और टॉयज बनाने में, और जो गांव में कच्चा हाउस बनाए जाते हैं जिनको हम टेम्प्रेरी हाउस भी कहते हैं, वो सब बनाने में यूज़ की जाती है। कौन सी सॉइल, क्ले सॉइल। नेक्स्ट, लूमी सॉइल। इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले।
इससे क्या पता चलता है, इसमें क्या होता है, सैंड और क्ले होता है, मींस ये सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल दोनों का मिक्सचर होता है, जिसको क्या कहते हैं, लोमी सॉइल कहते हैं। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। इस ये क्या करती है, जब ये दोनों का मिक्सचर होता है तो ये इनफ अमाउंट में एयर और वाटर दोनों को होल्ड कर सकती है। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस। ये ग्रोइंग प्लांट, जो प्लांट हम लगाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, लोमी सॉइल क्या है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, सैंड है जो दूर दूर होते हैं, और कुछ ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक साथ क्लोजली पैक्ड हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसमें सैंड और क्ले दोनों प्रेजेंट होती हैं। ओके क्लास, थैंक यू। फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।